नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हेल्पिंग केशव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बिल कैसे डाउनलोड होगा। आज मैं आपको बताने दोस्तों, जैसा मैंने बिल एक ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप अब स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। मैं आपको एक एक करके सभी की जानकारी दे रहा हूँ कौन कैसे चार्ज लग रहा है। के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका CA नंबर आता है, जो कि हम हाईलाइट किए हुए हैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको बिल किस मंथ में ये बिल आपका बन रहा है वो लिखा रहता है। इसके ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे लिखा रहता है कौन सा डिवीज़न है, यहाँ सब डिवीज़न कौन सा है और ये सेक्शन कौन सा सेक्शन है। दोस्तों, इसके साथ साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये उपभोक्ता, ये कनेक्शन का विवरण में देखेंगे उपभोक्ता श्रेणी, तो आप कौन से श्रेणी में आते हैं, तो इसमें DS 2D लिखा हुआ है। तो DS का मतलब हो जाता है डोमेस्टिक कनेक्शन, 2D का मतलब होता है शहरी क्षेत्र। यहाँ पे DS 1 अगर लिखा रहेगा तो वो आपका घरेलू कनेक्शन ही होगा, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र का होगा। यहाँ पे अगर NDS करके लिखा रहेगा तो उसको कहेंगे हम नॉन डोमेस्टिक, यानी कमर्शियल पर्पस रहता है। 1 का मतलब ग्रामीण और 2 का मतलब शहरी क्षेत्र। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ मीटर फेज लिखा हुआ है, मीटर फेज तो हमारे पास अभी 3 फेज तक रहता है, तो ये सिंगल फेज का है। अगर आपका कनेक्शन सिंगल फेज का है तो मैक्सिमम आप 1 किलोवाट से लेकर जो लोड है वो 7 किलोवाट तक ले सकते हैं, लेकिन जब 7 किलोवाट से आप ज़्यादा लोड लेंगे तो ये आपको 3 फेज में लेना होगा। उसके बाद देखेंगे एरिया टाइप, तो अर्बन है, यह शहरी क्षेत्र का कनेक्शन हो गया। इन्होंने जो लोड ले रखा है वो 2 किलोवाट का लोड लिया हुआ है, तो 2 किलोवाट का लोड पर इनका जो जमानत राशि है, जिसको सिक्योरिटी मनी बोलेंगे, वो 800 रुपये इनका जमा है। उसके बाद ये देखेंगे इनका बिल का आधार, इस मंथ में जो बिल बना उनका वो एक्चुअल पे बिल बना। एक्चुअल का मतलब मीटर गया है और वहाँ जाकर रीडिंग किया है और उनको बिल दिया है। और यहाँ देख रहे होंगे अभिलिखित डिमांड, तो इसका मतलब होता है आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया है और आपका जो मीटर में डिमांड हो रहा है वो 1.32 किलोवाट हो रहा है। अगर 2 किलोवाट से ज़्यादा अगर आपका लोड यहाँ दिखेगा तो उस कंडीशन में आपको फिर फाइन भी देना होता है, जो कि हम आगे भी आपको बताएंगे। उसके नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है मीटर का पठन, तो यहाँ आप अपना मीटर संख्या देख सकते हैं, जो भी आपके पास मीटर होगा वो मीटर नंबर मिला सकते हैं। यहाँ पे वर्तमान पठन, यानी कि इस महीने में जो रीडिंग हो रहा है उसमें ये यूनिट पे आपको बिल बना के दिया गया है, इसके पहले इतना यूनिट था। आपका जो कंजप्शन हुआ है टोटल 245 यूनिट का कंजप्शन पे आपको बिल बना के दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो बिल कुल बिल दिवस लिखा हुआ है, ये 33 दिन, यानी कि जो आपको बिल बन रहा है वो 33 दिन पर बन रहा है। और उसके बाद वर्तमान विपत्र का विवरण, यहाँ पे आपको किस तरह से चार्ज कौन कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे पूरा वो जानकारी रहता है। जैसे कि आपका टोटल यूनिट है 438 यूनिट, तो 438 यूनिट का चार्ज हो गया 2905.65। उसके बाद यहाँ देखेंगे फिक्स चार्ज, इसके पहले लिखा हुआ वर्तमान माह का विलम्ब अधिभार, अगर पिछले महीना में आपने भुगतान नहीं किया होगा तो उसका यहाँ चार्ज लगता है, जो कि यहाँ 0 है, इसका मतलब इन्होंने पिछले महीने का भुगतान कर रखा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे फिक्स चार्ज, फिक्स और डिमांड चार्ज, इन्होंने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया है तो 1 किलोवाट का शहरी क्षेत्र के लिए 40 रुपया लगता है, तो 2 किलोवाट का 80 रुपया हो गया, तो इनका यहाँ पे 88 रुपया लगा है। तो 88 रुपये इसलिए लगा है चूँकि इनका जो बिल है वो 30 दिन के जगह पे 33 दिन का बना है, तो 3 दिन का जो ज़्यादा हो गया इसलिए ये 88 रुपया हो गया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे अधिकतम डिमांड भार, प्रभार, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो 2 किलोवाट का कनेक्शन था और उनका जो खपत है वो 2 किलोवाट के अंदर ही है, इसलिए ये 0 है, और अगर 2 से ज़्यादा रहता तो यहाँ पर फिर वो फाइन लगता। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर विद्युत शुल्क, तो विद्युत शुल्क का मतलब होता है जो आपका ऊर्जा शुल्क है 2905 रुपया, उस पर 6% जो है वो लगता है विद्युत शुल्क। दोस्तों, ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ध्यान रखेंगे ये शहरी क्षेत्र के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र में ये जो फिक्स चार्ज है ये 40 रुपया के जगह पे 20 रुपया हो जाता है, यानी कि आधा हो जाएगा। उसके बाद
यहाँ देखेंगे अन्य शुल्क। अन्य शुल्क में 981 रुपये घटाया गया है, क्योंकि इसके पहले महीना में जो बिल बनाया गया था वो एवरेज पे बिलिंग किया गया था, तो एवरेज का जो चार्ज होता है वो यहाँ माइनस कर दिया जाता है, जो कि यहाँ पीएल एडजस्ट लिखा हुआ है। एवरेज पे तभी बिल बनाया जाता है जब आपका घर बंद रहता है या मीटर ख़राब हो, इसी संदर्भ में आपको एवरेज पे बिलिंग किया जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे राज्य सरकार अनुदान 801 रुपया 54 पैसा, तो ये आपको हर यूनिट पे मिलता है 1 रुपया 83 पैसा के हिसाब से, 183 पर यूनिट आपको अनुदान मिलता है। तो जो भी आपका यूनिट है उस पर आपको 981 रुपया अनुदान मिल चुका है। उसके बाद इसको टोटल ऐड करने के बाद 1384 रुपया आपका बिल बनता है, और उसमें भी आपको 34.01 रुपया छूट दिया जाता है। छूट इसलिए दिया जाता है, अगर आप टाइम पे पेमेंट करेंगे फर्स्ट डेट में तो आपको ये बिल लेस होगा, यानी कि आपको जो जमा करना होगा वो 1351 रुपया ही करना होगा। लेकिन अगर आप 7 तारीख के बाद जमा करेंगे और 17 से पहले जमा करेंगे तो जो आपको 34 रुपया छूट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, और आपको पूरा राशि जमा करना होगा। और 17 के बाद अगर आप जमा करते हैं तो आपको फाइन के साथ 1406 रुपया जमा करना होगा। और इसके साथ साथ आप इस साइड में देखेंगे तो बिजली भुगतान का विवरण ये भी दिया हुआ है, यानी लास्ट में आप कब पेमेंट किया थे, 8 जून को पेमेंट किए थे 1028 रुपया, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी मैं इसी तरह की वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।